एटी न्यूज चैनल अब नेट विजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध। नमस्कार, मैं विवेक डोगरा, आप देख रहे हैं प्राइम एटी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों पर। सीतापुर के आज हाजी नवाब अली डिग्री कॉलेज में TDU JKU JKY दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना जलुआपुर सीतापुर में प्रदेश कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षणार्थियों में दरोहापुर से लेकर लहरपुर तक एवं पास गांव में युवा कौशल जागरूकता रैली का आयोजन किया, जिसमें सेंटर मैनेजर सहित समस्त प्रशिक्षणदाता एवं सभी लोग शामिल रहे। इसके द्वारा इसका कितना असर हो पा रहा है देश में? प्रधानमंत्री इसके द्वारा जो चलाया गया युवा कौशल वगैरह विकास योजना, और इसके द्वारा आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले तो देशवासियों को बहुत बड़ा संदेश जा रहा है कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते, प्रधानमंत्री जी ने उनके लिए योजना लागू की है। एक यहाँ पे कोर्सेज कराए जाते हैं, अलग अलग कोर्स हैं, कोर्स कराने के बाद में जॉब भी दिलाया जाता है। तो मिशन में हमारा यही है कि जो गरीब तबके के लोग हैं वो थोड़ा ऊपर उठ सकें, जो ज़्यादा रुपये लगा के शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते, मेन मकसद ये है। और भारत में बहुत ज़्यादा डेवलप भी हो रहा है, कई वर्षों से योजना चल रही है, इसके अंतर्गत बहुत से लोग इसका लाभ नहीं पाएंगे जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। तो हम तो यही चाहते हैं कि जितने भी गरीब तबके के लोग हैं या जिस समुदाय के लोग हैं, वो आके हमसे जुड़ें, स्किल से जुड़ें। जी सर, अच्छा, इसका किस हद तक असर हो पा रहा है हमारे देश में? किस हद तक युवाओं को रोज़गार मिल पा रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? युवाओं को रोज़गार तो मिल रहा है, लेकिन समस्या ये है कि बहुत से लोग उठ के आना नहीं चाहते। सीखना असर तो हो रहा है, लेकिन जब व्यक्ति सीखना नहीं चाह रहा, तो हमारा उद्देश्य यही है उनको बताना कि आए सीखें और रोज़गार। ठीक है, थैंक यू। सीतापुर।